हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग से राज्य विधिक यानी जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हैं। पूरी वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं, साथ में इस नोटिफिकेशन के सिलेबस, एग्ज़ाम डेट और क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, पूरी जूनियर लीगल ऑफिसर जो राजस्थान में वैकेंसीज निकली है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले। एक फैक्ट आप लोगों को मैं बता दूंगा ताकि फॉर्म फिल करने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देख लें, वीडियो लाइक करें, साथ में शेयर कर लें ताकि, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड सिलेबस की भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं बहुत ही जल्दी, जो आप लोगों को मिलती रहेंगी, इसके मॉक टेस्ट वगैरह भी। तो देखिएगा, विधिक एवं विधि कार्य विभाग के लिए ये दी गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्थान सरकार के अंडरटेकिंग है राजस्थान राज्य के लिए। और इसमें जो 156 वैकेंसी हैं, ठीक है, 156 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 156 ये याद रखेंगे आप लोग, और सामान्य ओबीसी और राजस्थान के लोगों के लिए हैं, मतलब इसमें सभी स्टेट्स के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तरह रिजर्वेशन अपने अकॉर्डिंग है, यूआर है, आप लोग देख रहे हैं, सामान्य की जनरल की जो वैकेंसी 38 हैं और यहाँ पर 5 है यूआर में, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसके, मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशंस बता दूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन लॉ होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन और डाल दिए, यदि जो स्टूडेंट्स लॉ के लास्ट ईयर में है यानी उसका लास्ट फाइनल ईयर है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इवन इन्होंने यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि ऐसे विद्यार्थी वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने लॉ का लास्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हो लास्ट डेट से पहले पहले, बशर्ते जब उनका इंटरव्यू हो तो उस तक उन्होंने अपनी लॉ ग्रेजुएट्स कर लिया हो, ठीक है, लॉ कंप्लीट कर लिया उन्होंने। तो इसमें एक ये भी अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो लॉ के लास्ट ईयर में हैं और जब इंटरव्यू होगा तब तक आप लोग ही वैलिड हैं। अगर आपकी लॉ कंप्लीट हो गई इंटरव्यू से पहले पहले तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी बिकॉज फॉर्म निकले हैं 25 अक्टूबर तक इनकी लास्ट डेट है, फिर एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें जाए तो 3600 पे ग्रेड की नौकरी है 10 लेवल की, ठीक है। इसके बाद इसमें एज जो है वो 21 वर्ष से कम और अधिकतम 40 वर्ष की एज है, ठीक है। और जो एज काउंट हो रही है वो 1 जनवरी 2020 से हो रही है। और इसमें एज के लिए जो है 5 वर्ष के लिए दे रखा है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है राजस्थान के लिए है केवल, और ये EWS वाले जो हैं केवल राजस्थान के लोगों के लिए 5 वर्ष और SC ST के लिए 10 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसके बाद इसके सिलेबस की मैं डिटेल से आप लोगों को बात करने वाला हूँ। लास्ट डेट इसके फॉर्म की जो है आप फिल कर सकते हो 26 सितंबर से आप इसको फिल कर सकते हो, 25 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। और फीस की बात करें तो 350 रुपये इसकी फ़ीस है जनरल के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, जो राजस्थान के ओबीसी हैं और जनरल अदर स्टेट्स हैं, बाकी सबके लिए जो SC ST है राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं 250 हैं, और SC ST या फिर हैंडीकैप्ड हैं या ऐसी इनकम जिनकी 2.5 लाख से इनकम कम है तो वो 150 रुपये का यहाँ पर फीस शुल्क उनसे लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हैं। अभी वैसे परीक्षा डेट इसकी नहीं आई है, जल्दी समझते दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे भर दीजिएगा फॉर्म को। अब इसकी मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दूं डिटेल से कि इसका सिलेबस क्या है। एक बात और, इसकी PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैसे आप Target4IQ सर्च करेंगे, Target4IQ सर्च करेंगे तो वहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, Target4IQ, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये है लीगल एंड लैंड लीगल ऑफिसर का, जो जूनियर लीगल ऑफिसर है तो इसके 4 पेपर होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं इसमें मेंस नहीं होगा, एक पेपर बस एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा। तो पेपर फर्स्ट का जो अवधि है वो 3 घंटे है और ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर भी 50 मार्क्स का होगा। पहले पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल इम्फेसिस एंड फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टर प्रिंसिपल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट थ्रू रिट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटर्नी जनरल, ठीक है। तो ये सिलेबस है, मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ना है पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर सेकंड के लिए CPC, ठीक है, CRPC आप लोगों को पढ़नी है बहुत अच्छे से, ठीक है। पेपर थर्ड के लिए एविडेंस एंड लिमिटेशन एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस
ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग, ये आप लोगों को पढ़ना है। और पेपर जो फोर है उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट हिंदी का होगा जिसमें आप लोगों को हिंदी आएगी, जिसमें संधि विच्छेद समाज वगैरह आएंगे। दूसरा तत्सम भद्भव और पर्यायवाची और सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, तो ये चीज़ आएंगे। उसके बाद आप लोगों को पेपर फोर्थ के पार्ट सेकंड में यानी इंग्लिश ग्रामर आएगी, टेंसेज एंड डिटर्मिनेंट फ्रेजल वर्ब एक्टिव पैसिव, ये सब आप लोगों को आएंगे डायरेक्ट पेपर, ठीक है। सभी पेपर जो होंगे वो 3 घंटे के होंगे, ठीक है। और इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं तो वो 40% बिल्कुल मार्क्स आपको लाने हैं, 40%। उसके बाद भी ये तो मिनिमम है, उसके बाद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं बिकॉज मेरिट लगेगी। और जो ईच पेपर होगा उसमें प्रत्येक में 150 क्वेश्चन होंगे, एक प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें प्रत्येक क्वेश्चन में। और निगेटिव मार्किंग भी होगी, साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि निगेटिव मार्किंग भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। और जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा यानी MCQ फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जो लैंग्वेज का पेपर है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल का होगा, ये आप लोग याद रख लेंगे। पेपर दो लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। और अगर कोई एरर होता है तो इंग्लिश वाले पार्ट को ही वैल्यू दी जाएगी, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो ये रहा सिलेबस फ्रेंड्स, बाकी मैंने पूरी डिटेल बता दिया। आप लोग इसकी वेबसाइट जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है आप जाके आराम से भर सकते हैं। फ्रेंड्स ये लिंक है वीडियो का, इस वीडियो पे जाकर पहले आप लोगों को अपना एक पोर्टल, एक लॉगिन आईडी बनानी होगी और rpscrajasthan.gov से जाकर आप लोग यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट करना होगा, क्योंकि राजस्थान में फॉर्म फिल करने के लिए एक पोर्टल होता है, राजस्थान का सरकारी पोर्टल, रिक्वायरमेंट पोर्टल। तो वहाँ पर जाकर आपको एक अपनी आईडी बनानी होगी, उसके बाद आप इससे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने पूरी डिटेल दे दी है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, पूरी संभवतः मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।